हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी में। नाउ वाई फाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ वन अकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार और एक धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जो कि क्लॉक चैप्टर के लिए हम लोग करने वाले हैं, घड़ी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में। बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार और एक शानदार क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सभी कंसेप्ट्स को करते हुए और शॉर्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को रेगुलर रहने की आवश्यकता है। तो सभी लोगों को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है भाई साहब? सभी लोग पहले तो थम्सअप करके बता दीजिए मुझे। दिनेश सैनी, हरिओम, नसीन, सोनू, पूजा MP 19, इसके अलावा रश्मि, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है भाई साहब। सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार देने के लिए, इतने सपोर्ट करने के लिए। आशा करूंगा कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले लें और फटाफट से मिठाई खिलाने आए भाई, क्यों सही है कि नहीं? तो तैयार है भाई, सभी लोग थम्सअप करते हैं, शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो बस जल्दी से, है ना, शुरुआत करने वाले हैं, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो। आज पार्ट वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आगे चलने वाली है। पहले तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि डेली स्पेशल क्लास जो होती है हमारी 12, 5 और 9 बजे होगी, ठीक है, जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगी। तो भाई साहब मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे आ जाइएगा। कैलेंडर पर बेस्ड टॉप 25, ठीक है, कैलेंडर के 25 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये अनअकैडमी पर होने वाला है और रात को 9 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं, बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रस्ते हैं। इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं, बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रस्ते हैं। कि भाई साहब जिनको ये पता होता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दिन चल रहा है और दिन में आप लोगों ने अगर डिसाइड किया है कि हाँ ये मेरा समय है, इस समय का मुझे सदुपयोग करना है, इसका मुझे परिणाम आने वाले कल में मिलेगा, अगर ये आपको पता है दोस्तों तो ही आप जीत सकते हो। सोते रहो और सपने देखते रहो और कर्म ना करो तो मेरे भाई वो सपने पूरे नहीं होते, सिर्फ ख्वाहिशें बनकर रह जाते हैं, है ना। तो काम वो करो जिससे हमें सफलता, मेरे प्रयास आपको करने हैं और आपको 100% सफलता मिलेगी, पूरे विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के सेशन को, ये अपने सभी टीचर्स की क्लासेस का शेड्यूल है। सुबह हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, याद रखिएगा सुबह 10:15 बजे हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं और शाम को 4 बजे बेहतरीन मॉक टेस्ट, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपको, जिसका लिंक है t.me/dpaksirwifistudy। क्लियर है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और अनअकैडमी पर अगर आप लोगों को कोर्स लेना है और कंप्लीट सिलेबस को पूरा करना है दोस्तों, तो आप लोग आज ही Deepu10 कोड लगाकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कोर्सेस के साथ साथ आपको सभी टीचर्स के कोर्सेस इस रेफरल कोड के माध्यम से मिलते हैं विद 10% डिस्काउंट। कोड है DEEPU10, Deepu10, ठीक है। तो अनअकैडमी पर आप लोग सबसे पहले मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कर लो, इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, फिर उसके बाद में प्रोफाइल को सर्च करें SSC कैटेगरी में। दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोगों को मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसे आप फॉलो कर लें। जैसे ही आप फॉलो कर लेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग, जैसे ही फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा तो आप लोग अब क्लासेस के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो फ्री क्लासेस हो चाहे वो पेड क्लासेस हो, ठीक है। आप क्या आपको करना क्या है, वहीं पर आपको बैचेस दिखेंगे, ठीक है, ये देखिए कॉलम दिख रहा है बैचेस का, सी ऑल पर जाएंगे आप। सी ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में सभी टीचर्स के बैचेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नीचे गेट सब्सक्रिप्शन, ये ग्रीन पट्टी आ रही है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास सब्सक्रिप्शन विंडो ओपन होती है, उस सब्सक्रिप्शन विंडो में आप लोगों को Deepu10 कोड लगाना है और Deepu10 कोड लगा के अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका दिखावा आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड,
और उसके बाद आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं। और 29 तारीख से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये प्रोसेस है पूरा, इसे आप फॉलो कर लीजिए। चलो अब यहां पर देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्लोक चैप्टर की। और क्लोक चैप्टर के अंदर दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो घड़ी होती है, ठीक है, यहां पर हम किस घड़ी की बात करेंगे? यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एनालॉग क्लॉक की, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं करने वाले, जिसके अंदर टाइम इस तरीके से चलता है, ठीक है, आगे नंबर लिखे होते हैं जो घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बीच में जो नंबर लिखे होते हैं वो मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर लास्ट में जो नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर सेकेंड होते हैं। क्लियर है? हम यहां पर कंप्लीट एनालॉग क्लॉक की बात करेंगे गाइस। जैसे यहां पर लिखा है 12, इस जगह लिखा है 6, यहां 3, यहां 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। अब इस घड़ी के अंदर दोस्तों हम लोग 3 सुइयां बना लेते हैं। आप लोग जानते हो कि 3 निडल होती हैं, एक तो होता है स्मॉल, एक होती है उससे बड़ी, और एक होती है जो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं, ठीक है, जिसको आप लोग इस तरीके से जानते हो कि जो सबसे छोटी वाली सुई होती है जो सबसे स्लो चलती है, जो सबसे छोटी वाली सुई होती है जो सबसे स्लो चलती है, उसको आप आर एंड बोलते हो, आवर एंड बोलते हो, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में घंटे वाली सुई, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है भाई साहब, क्लियर है? इसको अपन क्या बोलते हैं? घंटे वाली सुई बोलते हैं। उससे बड़ी वाली सुई जो होती है, जो थोड़ा और फास्ट चलती है, उस छोटी वाली सुई से, घंटे वाली सुई से जो फास्ट चलती है, उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। क्या बोलते हो उसको आप? मिनट हैंड, जिसको हम बोलते हैं मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। और दोस्तों तीसरी जो सुई होती है जो सबसे तेज चलती है, तीसरी सुई जो सबसे तेज चलती है, ठीक है, उसको आप बोलते हो सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई, ये आपको पता है दोस्तों? सभी लोग थम्सअप कर दें फटाफट से, सभी लोग एक बार थम्सअप कर देंगे फटाफट से, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, तुरंत प्रभाव से बता दो कि ये सर 3 सुइयां होती हैं, जिसके अंदर जो सबसे छोटी वाली सुई होती है उसको घंटे वाली सुई बोलते हैं, ठीक है, जो उससे थोड़ा सा फास्ट चलती है उसको मिनट वाली सुई बोलते हैं, और जो भाई साहब सबसे तेज चलती है उसको सेकंड वाली सुई बोलते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर देखिएगा कि ये जो पूरा सर्किल है, ये जो पूरा सर्किल है, जो एक पूरी घड़ी है, ठीक है, उसके अंदर टोटल मिला के 12 भाग किए हुए हैं। टोटल कितने भाग हैं? 12 भाग, 1 से लेके 12 तक के भाग किए हुए हैं। तो आप मुझे बताओ कि एक भाग कितने डिग्री का कोण बनाएगा? अगर भाई साहब सीधी सी बात है कि 12 भाग मिलकर, 12 भाग मिलकर 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 12 भाग मिलकर 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो यहां से एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक भाग मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 बटा 12, यानी एक पोर्शन, यानी एक पार्ट या एक भाग बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगा। एक भाग बराबर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग यहां पर भी कितना होगा? 30 डिग्री। फिर यहां पर भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो दोस्तों 30 30 30, तो देखिए यहां पर अभी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, फिक्स 3 बजे का समय हो रहा है, तो फिक्स 3 बजे इन दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतराल हो गया। 15 मिनट का अंतराल का सीधा सा मतलब है कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यस और नो फटाफट से एक बार थम्सअप करके बता देंगे कि यस सर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कुछ चीजें हैं दोस्तों आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हमें फाइंड करना है और आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिएगा इधर, यहां पर सबसे पहले रूल्स और चीजें देखते हैं हम लोग मिनट वाली सुई के लिए, ठीक है, कितनी, कौन सी सुई के लिए? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि मिनट वाली सुई
जो है कितने मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है, मिनट वाली सुई पूरा चक्कर कितनी देर में लगा लेती है। मान लीजिए अभी मिनट वाली सुई यहां पर है, कहां पर है, 12 पर, तो दोबारा 12 पर कब आएगी, दोबारा 12 पर कब आएगी, 1 घंटे बाद आएगी ना। मिनट वाली सुई अभी 12 पर है, तो मुझे बताओ कि दोबारा 12 पे कब आएगी, मिनट वाली सुई दोबारा 12 पे कब आएगी, 1 घंटे बाद आएगी ना। ठीक है, अभी मिनट वाली सुई 12 पर है तो दोबारा 12 पे कब आएगी, 1 घंटे बाद। ठीक है, तो मिनट वाली सुई के लिए देखिएगा, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेगी। अगर मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेगी, अर्थात 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी कुल मिला के मिनट वाली सुई 60 मिनट के अंदर एक पूरा चक्कर यानी कि 360 डिग्री का कोण बना लेगी, 360 डिग्री का एंगल बना लेगी। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो भाई साहब 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से बता दो, 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360/60। तो यहां से आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जल्दी से मुझे बता देना भाई फटाफट से कि 15 मिनट या 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 मिनट में जल्दी से बता दो कितने डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बना रही है मिनट वाली सुई, तो भाई साहब 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 × 6 कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ऐसे ही बता दो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 15 मिनट में 15 × क्या कर देंगे, 6, 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना, 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जल्दी से थम्सअप कर देंगे फटाफट से भाई साहब। ठीक है, तो भाई साहब 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया, तो 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। और आप लोग जानते भी हो 90 डिग्री 15 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, अब ये तो कंसेप्ट मिनट वाली सुई के लिए हुआ, अब यही कंसेप्ट दोस्तों आप घंटे वाली सुई के लिए भी देख लो। ठीक है, आर एंड जिसको अपन बोलते हैं घंटे वाली सुई, क्या बोलते हो भाई इसको आप, घंटे वाली सुई। तो दोस्तों घंटे वाली सुई के लिए कंसेप्ट देखना, मैं एक एक करके सारी चीजें, मतलब दुनिया में जहां कहीं भी दिक्कत होती है ना क्लॉक में, ये कहता है कि इसमें दिक्कत है, मेरे को इस कंसेप्ट में दिक्कत है, मैं पूरे 21 टाइप आपको पढ़ाऊंगा, आप एक एक करके देखते हुए चलना, सारे टाइप हम लोग खत्म करेंगे, और सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उनको भी हम लोग खत्म करेंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों ने आज तक नहीं देखे और नहीं बने ना आपसे, उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। लेकिन बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, और इतना सा दोस्तों मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। दीपराज पूजा जी को लिख रहे हैं आई लाइक यू पूजा। अब भाई इसका क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। हाँ भाई ये बताओ, देख भाई पूजा को लाइक करता है बहुत अच्छी बात है, पर अगर तेरी नौकरी नहीं लगी ना तो पूजा किसी और के पास चली जाएगी जिसकी नौकरी लग गई होगी। मैं बता रहा हूँ देखो, सच में सीरियसली बता रहा हूँ, सही में बिल्कुल राइट बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पूजा चली भी जाएगी और भाई साहब मिलेगी भी नहीं फिर कभी, अब अपन ये सोचते रह जाएंगे लाइक यू हो जाएगा सिर्फ, सही है नहीं है। तो इसीलिए बढ़िया तरीके से अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पे फोकस कर ले मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, यहीं से बेस बनेगा पूरे चैप्टर का, और वही आगे काम आएगा जीवन में, यहीं से आप लोगों का सिलेक्शन होगा और यहीं से सपने पूरे होंगे। ठीक
ठीक है, अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रख लो। सभी लोग एक बार थम्सअप कर देंगे फटाफट से, जल्दी से एक बार थम्सअप कर देंगे, सभी लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर दें, और पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए इस क्लास पर। देखिएगा भाई साहब इधर यहां पे है ना, तो तीन सुइयां होती हैं, एक होती है हमारी घंटे वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई, एक होती है सेकंड वाली सुई। यानी कि सीधी सी बात है, आर एंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। तो हम लोग यहां पर पहला कंसेप्ट निकाल चुके हैं कि एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात करते हैं घंटे वाली सुई के लिए। अब देखो घंटे वाली सुई अभी 3 पर है दोस्तों, घंटे वाली सुई अभी कहां पर है, 3 पर है। तो दोबारा 3 पर कब आएगी, दोबारा 3 पर कब आएगी बताओ? 1 घंटे बाद तो 4 पर आएगी, 2 घंटे बाद 5 पर आएगी, 3 घंटे बाद 6 पर आएगी छोटी वाली सुई, 4 घंटे बाद 7 पर आएगी। तो ऐसे 12 घंटे लगेंगे ना उसको वापस अपनी जगह पर आने के लिए। छोटी वाली घंटे वाली सुई अभी 3 पर है, तो दोबारा 3 पर कब आएगी, 12 घंटे बाद। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर कंसेप्ट क्या बनेगा देखना, घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। 12 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 12 घंटे में टोटल कितने मिनट हो गए अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो, 12 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 × 60 मिनट अगर हम कर देंगे तो इसका मतलब ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी भाई साहब। ठीक है, 12 × 72 होते हैं, यानी 720 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 मिनट के अंदर दोस्तों बताओ मुझे कितने डिग्री का कोण बना, 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 बटा 720 कर दोगे तो 1 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई कोण बनाएगी, इसको काट दो 1/2, आधे डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, आधे डिग्री का कोण बनेगा। तो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से कि 1 घंटे 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 1 मिनट में अगर आधे डिग्री का कोण बन रहा है तो जल्दी से मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि भाई साहब 60 मिनट या 1 घंटे, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया 60 × 1/2, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 मिनट में कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो सही तो है। अगर मान लो ये छोटी वाली सुई 1 घंटा चली जाए, 3 बजे से 4 बजे बज जाए, तो वास्तव में देखा जाए तो 1 भाग कवर किया ना, और 1 भाग में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सही है बिल्कुल। तो ये 2 कंसेप्ट दोस्तों आप लोगों ने पढ़े, पहला मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, और इसी तरीके से घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। इसको भाई साहब देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली सुई के लिए कंसेप्ट पढ़ेंगे भाई साहब। सेकेंड वाली सुई का क्या कंसेप्ट है देखना। अब आपको पता है कि सेकेंड वाली सुई तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में ही पूरा घूम जाएगी, सेकेंड वाली सुई तो 1 मिनट में ही एक पूरा चक्कर लगा लेती है, 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है भाई साहब सेकेंड वाली सुई। अब 1 मिनट में होते हैं दोस्तों 60 सेकेंड, यानी सेकेंड वाली सुई 60 सेकेंड के अंदर एक पूरा चक्कर अर्थात 360 डिग्री का कोण, सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है अर्थात 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण भाई साहब,
एक सेकंड में कोण बनाती है, सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कोण बनाती है 6 डिग्री, सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कोण बनाती है 6 डिग्री। तो ये तीनों कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, फटाफट से जल्दी से बता दो, क्योंकि अब मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, तुरंत प्रभाव से बता दो कि यस सर बिल्कुल सही है। ठीक है, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये तीनों अगर डाटा आपसे पूछ लिए जाए कभी तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। ठीक है, एक बार में ही आपका आंसर डायरेक्टली आना चाहिए। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, एग्जाम के अंदर दोस्तों एक चीज ऐसी है जो डायरेक्टली हमेशा और बार बार पूछी जाती है। ठीक है, कोण ज्ञात करने वाला कंसेप्ट, और हम जब उसको सोल्व करने लगते हैं तो 11/2 माइनस वो मिनट वाला जो कंसेप्ट है वो लगाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है तो वो पूछी जाती है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये तीन चीजें पूछी जाती है। तो आप यहां से हम लोग, ठीक है, तीन कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े। ठीक है, तीन कंसेप्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपने पढ़ा। अब आप टाइप 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप इस पे नाम भी दे दीजिए, इनको चाहे तो आप लोग नाम भी दे सकते हैं। भाई साहब लिख लो यहां पर, ठीक है, टाइप 1 का कंसेप्ट मिनट वाली सुई के लिए, ठीक है, टाइप 2 का कंसेप्ट है अपने घंटे वाली सुई के लिए, और टाइप 3 का कंसेप्ट है सेकंड वाली सुई के लिए। अब एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखें, अगर मुझे कभी ऐसे लिखना होगा 5 मिनट, तो मैं 5 मिनट को दोस्तों याद रखना शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा सिंगल डैश। अगर मुझे कभी लिखना होगा 5 सेकंड, तो मैं शॉर्ट में कहीं पर अगर ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, इन दोनों चीजों को भी लिख लेना भाई साहब। 5 मिनट का मतलब है 5 सिंगल डैश, और 5 सेकंड का मतलब है 5 डबल डैश। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करते हैं बढ़िया से, जल्दी से शेयर कर दो, तुरंत प्रभाव से शेयर कर दो भाई साहब, चलिएगा। ठीक है, टाइप नंबर फोर दो सुइयों कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली, घंटे वाली और मिनट वाली, दो सुइयों के मध्य कोण, दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। ठीक है, एंगल बिटवीन टू नीडल्स। ठीक है, आर एंड मिनट। ठीक है, दो सुइयों के मध्य कोण निकालना सीखेंगे अब हम। क्या सीखेंगे भाई साहब? दो सुइयों के मध्य कोण निकालना पर डायरेक्टली सीखेंगे। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, तीन बजकर 40 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होगा, दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द नीडल्स 840।
तो देखिए आप दोस्तों, इसके लिए आपने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, आपने ये फॉर्मूला, ये सूत्र जो है ये बहुत बार पढ़ा होगा, जो कुछ इस तरीके से 11 बटा 2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले को आपने बहुत बार देखा है। ठीक है, 11 बटा 2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, आप इसमें डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई साहब? अब यहां पर देखो, ये तो है आपका घंटा, आगे वाला जो लिखा होता है ये घंटे वाला समय होता है, ये आपका होता है मिनट वाला समय, सही है। अब इसको हमें निकालना है तो क्या बनेगा भाई साहब इसमें? 11 बटा 2 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी है 40, माइनस 30 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3 है। क्लियर है? अब आपने मान लीजिए इसको सोल्व किया, ये 20, 11 दूनी 22, 220 माइनस ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 130 डिग्री। कितना बना? 130 डिग्री, ये आपने निकाला। पर दोस्तों 130 डिग्री ही नहीं होगा, दो सुइयों के बीच में जो आपने कोण निकाला है वो जरूरी नहीं है कि 130 ही हो। जैसे 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है 3:40, तो आपके दिमाग में आएगा 3:40, 40 का मतलब तो ये हो गया कि बड़ी वाली सुई आ गई 8 पे, छोटी वाली सुई कहाँ रहेगी? इस जगह पे, ये रहेगा। 3:40 पर आपने आंतरिक कोण, ये वाला कोण निकाल दिया आपने, कितना आया आपका 130 डिग्री, ये एंगल आपने निकाल लिया 130 डिग्री। पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो आंतरिक कोण ही पूछेगा, वो बाह्य कोण भी पूछ सकता है, आउटर एंगल भी पूछ सकता है। अब अगर इनर एंगल अगर आपको पता है कि 130 डिग्री है, तो आप आउटर एंगल, बाह्य कोण भी निकाल सकते हैं। कैसे? पूरा कोण जो होता है, पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। पूरा सर्किल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो भाई साहब 360 में से अगर 130 को माइनस कर दें, ठीक है, ये तो आपका थीटा वन आ गया, पर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि 130 ही दिया हुआ होगा, आउटर एंगल भी दे सकता है। तो आप 360 में से थीटा वन को माइनस कर देंगे, यानी 360 में से 130 को आपने माइनस कर दिया, तो थीटा टू इक्वल टू आ गया आपके पास 230। कितना आ गया? 230 डिग्री का एंगल आ गया। यस और नो, फटाफट से एक बार थम्सअप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल। कितना आ गया? 230 डिग्री का एंगल आ गया, सही है? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार वो अंदर आंतरिक एंगल आपको देगा, वो बाह्य एंगल भी आपको दे सकता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा, इधर जैसे आपको मैंने एक समय दिया, आपने ये निकाला, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग मुझे फाइंड करके बताइएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 5:40 पर कोण ज्ञात करिए, 5:40 पर कोण ज्ञात करिए, ये आपके क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करते जाइए। ठीक है, और बनाइए आप, 5:25 पर कोण ज्ञात करिए। ठीक है, इसको आप 5:30 कर लो, फिलहाल आप इसको कर लीजिए 5:30। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने आपको दे दिया, 4:40 पर कोण ज्ञात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, 8:20 पर कोण ज्ञात कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12:20 पर कोण ज्ञात कीजिए। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितना जल्दी आप लोग करते हैं और किस तरीके से करते हैं। 5:40 पर, 5:30 पर, 4:40 पर, 8:20 आप इसको फाइंड कर बनाइए।
हम एक एक करके सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिनिश कर देंगे भाई साहब बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। अक्ल के दुश्मन, प्लेलिस्ट बने हुए बरस हो गए भाई साहब। मतलब अभी लेटेस्ट में जब से ये क्लासेस चल रही है ना अपनी थ्योरी वाली, अलग से प्लेलिस्ट बनाइए आप लोग, देखो ध्यान से। सी ऑल पर जाओगे ना तो आपको सारी प्लेलिस्ट दिखेगी, आपको ग्रुप डी एन टी पी सी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी की। अरे भगवान, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लें, दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का ये फॉर्मूला है। फिर अभी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, है ना। 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। ठीक है, चलो बनाओ। एक बात बताऊं मैं आपको दोस्तों, सिंपल सी बताऊं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस है ना आप बढ़िया तरीके से कर लेते हो, पर वो शॉर्ट ट्रिक सब में अप्लाई हो ना, हमेशा शॉर्ट ट्रिक उसको बोलते हैं। शॉर्ट ट्रिक वो होती है जो सारे कंसेप्टों में फिर अप्लाई हो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब फिर वो हर कंसेप्ट के लिए चेंज हो रही है कौन निकालने के लिए, उसको मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं मानता। इससे अच्छा है कि वो अपने आप को उलझाने से बेटर है कि हम लोग चीज़ों को बढ़िया तरीके से याद रखें कि थीटा बराबर होता है 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आर। अपने हाथ के चलाने की स्पीड इतनी फास्ट कर लो कि वही शॉर्ट ट्रिक बन जाए भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर है? 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आर। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 5:40 पर कौन, मैं बनाने को तो बता सकता हूँ, मैं 1:8 बन रहा है उसकी भी ट्रिक बता दूँ फिर आपको, 5:30 1:6 की भी मैं बता दूँ, 1:10 की भी मैं बता दूँ आपको, कोई मतलब नहीं है ना। अब इसमें देखो, आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको समझते हैं, 5:40 पर कौन निकालना है, आपने निकालना क्या 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी है 40 -30 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5। अब यहां से आप जब आपने निकालोगे इसको तो आएगा 220, 220 -150 आपका आ गया 70 डिग्री। कितना आ गया 70 डिग्री। दूसरा कोण आप कैसे निकालोगे, 360 -70, ये आपके पास में आ गया 290 डिग्री। दोनों में से कोई सा भी दे रखा हो हम टिक कर लेंगे, 70 डिग्री दे रखा हो या 290 दे रखा हो, आप इजीली आराम से कर लोगे, सही है। लेकिन अब आप यहां पर देखिएगा, इधर इस जगह भी चीजों को समझने की कोशिश करना, 5:30 इस पर भी कौन निकालना है हमें, थीटा वन की वैल्यू क्या है 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 है, 30 -30 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5 है। क्लियर है? अब आप इसको सोल्व करोगे, 15 15 इंटू 11 165, 165 -150, ठीक है, ये आया आपके पास में 15 डिग्री। 5:30 पर कौन बन रहा है 15 डिग्री का, सही है। अब भाई साहब दूसरा कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, थीटा टू बराबर 360 -15, ये आपके पास में आ गया 345 डिग्री, दूसरा कोण बाह्य कोण 345 डिग्री हो गया। अब 8:20 पर कौन निकालना, अब 8:20 पर जब मैं कोण निकाल लूंगा तो देखिएगा इधर, 8:20 पर जब मैं कोण निकालूंगा थीटा बराबर, पहले इसको कर लो, इसको छोड़ दीजिए, क्लियर, 4:40 यही निकाल लो, क्लियर है। थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आर, 2 से इस 40 को काट दिया आपने 20 बार, 11 दूनी 22, तो ये आया 220 -4 3 12 120, ये आ गया 100 डिग्री।
ये 100 डिग्री आ गया, दूसरा आप निकाल लोगे यहां से, थीटा 2 बराबर 360 माइनस 100 बराबर 260, सही है। अब बात आ रही है इस वाले की, इसको सॉल्व करते हैं, ब्लू कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इधर वाले को, 8:20, थीटा बराबर वही 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 8, आर की वैल्यू 8 है, 8:20 है ना, तो ये 8, सोल्व करो इसको एक बार, सोल्व करो यहाँ पर, मिनट की वैल्यू कितनी है 20 है, तो मिनट की वैल्यू 20 रखो और इसको सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए 2 से 20 को काटा आपने 10 बार, ये आया आपके पास में 110 और ये आया 240, यहाँ पर माइनस का 130 आया, यहाँ पे कितना आया माइनस का 130 आया। अब अभी तक तो जितने भी कोण दोस्तों आप लोगों ने निकाले थे सारे पॉजिटिव थे, लेकिन यहां पर पहला ऐसा कोण मिला यार ये माइनस का मिला हमको। अब ये माइनस का मिला तो जब हम दूसरा कोण निकालेंगे, बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा है मैंने, उनको पता है कि 360 माइनस थीटा 1 करना है तो वो ऐसे करते हैं, 360 माइनस और थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई है, थीटा 1 की वैल्यू आई है माइनस का 130, उसको उन्होंने जोड़ दिया, उसको उन्होंने जोड़ते ही तो भाई साहब ये तो हो गया 490 डिग्री, ये तो 490 डिग्री हो गया भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई है। आपका आया माइनस 130 था, आपने जब थीटा 2 निकाला 360 माइनस थीटा 1, तो जब माइनस को माइनस से जोड़ा तो ये तो 490 प्लस का हो गया, सही कि नहीं है, तो अब यहां पर गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर दो कोणों का योग, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 360 होता है, 360 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो फिर ये माइनस लेना है या माइनस नहीं लेना है, इसका क्या सीन है। तो इस माइनस को नहीं लेना होता है, ठीक है, ये माइनस क्या होता है उसको हम समझते हैं एक बार, ये माइनस में क्यों आया, कोण माइनस में क्यों आया इसको हम समझते हैं, देखिएगा कोण माइनस में क्यों आया इसको हम समझते हैं भाई। आपने एक समय तो लिया था 5:40 या 4:40 कोई सा भी ले लो, ठीक है, इसमें मैं ले रहा हूं 4:40 का समय और इधर मैं ले रहा हूं 8:20 का समय, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 8:20 का समय, इस समय को भी देखना और इस समय को भी देखना भाई साहब। जब आप 4:40 बनाते हो, सपोज करो अभी घड़ी में 4 बजेगी, अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है 4 बज रही है, अब 4 बजे का समय हो रहा है, हमें 4:40 बनाना है। जब आप बड़ी वाली सुई को रोटेट करोगे, देखो जब बड़ी वाली सुई को आगे चलाओगे तो ये आएगा 4:15, देखो बड़ी वाली सुई को आगे चलाएंगे तो ये 4:20 पे क्रॉस करके आगे निकलेगी, ये बड़ी वाली सुई क्रॉस करके ऐसे आगे जाएगी और यहां पर एंगल बनाएगी, बड़ी वाली सुई ने मिनट वाली सुई को क्रॉस कर लिया, जब बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई को क्रॉस कर लेगी, है ना, जब बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई को क्रॉस कर लेगी, बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई को क्रॉस कर लेगी तो हमेशा याद रख लेना पॉजिटिव एंगल बनेगा, कब, जब मिनट वाली सुई, जब लिख लो इसको, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लेगी, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लेगी, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लेगी तो एंगल हमेशा क्या बनेगा, एंगल, एंगल बनेगा आपका पॉजिटिव, एंगल, एंगल क्या बनेगा पॉजिटिव। पर भाई साहब 8:20 देखना, 8:20 का मतलब है छोटी वाली सुई यहां पर, बड़ी वाली सुई यहां, अब ये बड़ी वाली सुई चलेगी, बड़ी वाली सुई चलेगी यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई तो पहले ही एंगल बना लिया ना, देखो इधर, यहां तो क्रॉस करने के बाद एंगल बनाया था, बड़ी वाली सुई के क्रॉस करके यहां पहुंची थी बड़ी वाली सुई, ठीक है, तो क्रॉस करके बने के बाद अगर एंगल बन रहा है तो एंगल पॉजिटिव है,
लेकिन अगर क्रॉस करने से पहले ही एंगल बन रहा है, क्रॉस करने से पहले ही एंगल बन रहा है तो एंगल नेगेटिव बनेगा, याद रख लेना। अगर क्रॉस करने से पहले ही एंगल बन रहा है तो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां पर, क्योंकि यहां पर घंटे वाली सुई या म्यू लिख देते हैं, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया, मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सभी लोग फटाफट से एक बार थम्सअप कर देंगे कि यस सर, बात समझ में आ गई। मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया, इसलिए एंगल क्या बना है दोस्तों, आपके सामने है, एंगल नेगेटिव बना है, और अगर क्रॉस करके आगे चली जाएगी तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। यस और नो, फटाफट से एक बार थम्सअप कर देंगे भाई सब, समझ में आ गया कि यहां तक का कंसेप्ट कि कब तो एंगल पॉजिटिव बनेगा और कब एंगल नेगेटिव बनेगा? तो एंगल पॉजिटिव बनेगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी, और नेगेटिव तब बनेगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं करेगी, पहले ही एंगल बना लेगी, तो इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव, तब अपना आंसर नेगेटिव होगा। तो यहां पे माइनस और प्लस से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि एंगल नेगेटिव क्यों आया, एंगल पॉजिटिव क्यों आया। भाई साहब नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। अब बारी आती है इस क्वेश्चन की, जो कि एक अपने आप में ही एक इंपोर्टेंसी रखता है इसके अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है, 12:20 पर कोण क्या बनेगा, ठीक है। अब 12:20 पर कोण निकालना है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 12:20 का मतलब कितना हुआ, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12:20। मान लीजिए अभी फिलहाल दोनों घड़ियों की सुइयां फिक्स 12 पर, ठीक है। यहां तो ले लेता हूं मैं 12:20, मुझे 12:20 बना, सपोज करो अभी फिक्स 12 बजे, फिक्स 12 बजे, तो 20 मिनट का मतलब क्या होगा, बड़ी वाली सुई, ठीक है, देखिए इधर, ये बड़ी वाली सुई, ये बड़ी वाली सुई यहां पर आ गई, घूम के यहां पर आ गई, छोटी वाली सुई यहीं रहेगी क्या, जी नहीं, छोटी वाली सुई भी तो थोड़ा तो इधर जाएगी, तो छोटी वाली सुई लगभग इधर जाएगी और बड़ी वाली सुई यहां आएगी, यहां पर बना है, ठीक है। अब भाई साहब 12:20 पे तुम कहोगे मैं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, थीटा बराबर 11/2 × मिनट - 30 × आर, ये फॉर्मूला होता है, 11/2 × मिनट की वैल्यू आपने ले ली 20 - 30 × आर की वैल्यू ले ली आपने 12 लेते ही ये कट जाएगा लगभग कितनी बार, 10 बार, तो ये 110 - 12 = 36, 360, है ना। तो ये आपके पास में थीटा की जो वैल्यू आई माइनस का, देखना इधर, ये आया आपके पास में माइनस का 250, और थीटा 2 की वैल्यू आएगी आपके पास में, थीटा 2 की वैल्यू आएगी आपके पास में 360 - 250, डायरेक्टली कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 110 डिग्री। अब बारी ये है कि थीटा 1 जो कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमेशा आंतरिक कोण आता है, इस फॉर्मूले को जब पहली बार अप्लाई करते हैं तो उससे हमेशा आंतरिक कोण आता है, इंटरनल एंगल आता है, ठीक है। और इस वाले को जब आप अप्लाई करते हैं तो इससे हमें थीटा 2, इससे हमेशा बाह्य कोण आता है, और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा होता है, याद रखना, बाह्य कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। आपने जितने भी बाह्य कोण निकाले हैं उनमें सब में देख लो, उनका मान जो है देखो 180 डिग्री से ज्यादा है, बाह्य कोण का मान, ये बाह्य कोण है, थीटा 2 जो है ये कौन सा कोण है, आउटर एंगल, बाह्य कोण, और इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, बाह्य कोण का मान, उसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, बाह्य कोण का मान जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब यहां पर ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया, बाह्य कोण का मान यहां पर देखिए, बाह्य कोण का मान तो 110 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री कहां आ रहा, जो वृहत कोण होता है, बाह्य कोण जिसको अपन वृहत कोण बोलते हैं,
भाई साहब उसका मान तो 110 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था, 181 होता तो भी चल जाता, पर ज्यादा ही होना चाहिए 180 प्लस, ठीक है। पर यहां तो 110 डिग्री आया, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आपने इसके लिए अप्लाई किया ये आपने गलत अप्लाई नहीं किया, फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूला तो यही है, दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का फॉर्मूला यही है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भाई साहब बाह्य कोण का मान 180 से कम आ रहा है और आंतरिक कोण का मान भाई साहब 250 डिग्री आ रहा है, जबकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार ये आंतरिक कोण, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण भैया, ये वाला कोण छोटा कोण है और ये वाला कोण बाहर वाला कोण, ये वाला कोण होना चाहिए था, ये बाह्य कोण है। तो भाई साहब ये 110 कैसे हो सकता है, 110 तो ये होना चाहिए था ना। तो क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन का सही आंसर कैसे आएगा, एकमात्र ऐसा कंसेप्ट है, अगर आपको 12 से 1 के बीच में कोण निकालना हो, नोट कर लेना, अगर समय आपका 12 से 1 के बीच का दे रखा हो, 12 से 1 के बीच में आपको कोण निकालना है, तो आप इसको 12:20 सोल्व नहीं करोगे, इसको आप 0:20 सोल्व करोगे। भाई 12 का मतलब क्या होता है, फिक्स दोनों सुइयां 12 पर, तो 12 को आप क्या ले लोगे, 0:0, 12 हमेशा मतलब 0:0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ले गए 12:20, इसको भी तो 12:20 ही बोलेंगे, यानी कुल मिला के हमने जैसे जैसे अपना सप्ताह होता है ना, सप्ताह को हमेशा सोमवार से शुरू किया जाता है, वैसे समय को हमने मान लिया कि हमने फिक्स 12 से चालू किया है, 12 से चालू किया है तो सिर्फ हम 20 मिनट ही चले हैं, यानी 0:20 चले हैं। अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले में देखो, अब आप जैसे ही अप्लाई करोगे, ठीक है, 11/2 × 20, और इस जगह देखना, इस जगह देखना, यहां पर क्या ले लो, जीरो ले लो, इस जगह पर क्या ले लो आप, जीरो, देखना कैसे, 12 की जगह क्या ले लोगे आप, जीरो ले लोगे, इस जगह, इस जगह जैसे ही जीरो लोगे तो देखिए यहां पे क्या परिवर्तन आएगा भाई साहब, जैसे देखना आपने, आपने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अब जीरो ले लिया तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो ये टोटल मिला के कितना आ गया, थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई, अब 110 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई आपके पास, थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 110 डिग्री, देखो आप वो तो वैल्यू पूरी जीरो हो गई ना, ये टोटल मिला के कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया ऑटोमेटिकली, यानी आंतरिक कोण की वैल्यू आपके पास में आ गई 110 डिग्री। अब बाह्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोण निकालना है तो आप कितने में से माइनस कर दोगे, 360 माइनस 110, तो देखो एंगल पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया ऑटोमेटिकली, ये आ गया कि नहीं आ गया भाई साहब, जल्दी से बता दो फटाफट से, वो 110 आ गया, ये 150 डिग्री, सभी लोग थम्सअप कर देंगे फटाफट से, तो ये चीज याद रख लेना, इसको नोट करके रख लेना, अगर 12:20 बोला है तो आप 0:20 निकालोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से मुझे बताइएगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि 12:40 पर कोण ज्ञात कीजिए, 12:40 पर कोण ज्ञात कीजिए, तो भाई साहब अब आप क्या करोगे, इसको क्या मान के सोल्व करोगे आप, 0:40, ये मानकर सोल्व करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा वन बराबर 11/2 × मिनट - 30 × आर, ये हमने लगाया इसके अंदर, लगाया, अब लगाओ भाई साहब कितना आ गया, थीटा वन बराबर 11/2, मिनट की वैल्यू कितनी है जल्दी से बता दो, मिनट की वैल्यू कितनी है, 40 - 30 × आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, यहां से आ गया आपके पास थीटा वन बराबर 20 × 11 × 22, 220 - 30 कितना आ गया, 220 डिग्री, थीटा वन की वैल्यू 220, थीटा टू की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, 360 - θ1 यानी कि 360 - 220, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 140 डिग्री, थीटा टू की वैल्यू आ गई आपके पास 140 डिग्री, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, फटाफट से एक बार थम्सअप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल कर लेंगे, और हर सारी चीजें भी सर समझ में आ गई, बढ़िया तरीके, सभी लोग एक बार थम्सअप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल, कोई भी कंसेप्ट किसी भी तरीके का आ जाए डाउट नहीं होना चाहिए, 12 से 1 के बीच का समय हो तो 0:40 मानकर सोल्व कर लो, जल्दी बताओ फटाफट से बताओ भाई सब, जल्दी से बताएंगे तुरंत प्रभाव से बता देंगे
जल्दी से बता देंगे भाई साहब तुरंत प्रभाव से। बहुत बड़ी। चलो भाई अब कुछ चीजें देखेंगे, हम कुछ चीजें देखेंगे। जैसे 5:25 ऐसा लग रहा है 5 और 25 दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। 6:30 7:35 है ना, ऐसे ही 3:15 ऐसे आता है 8:40। ऐसा लगता है कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ही आ गई, पर वास्तव में ऐसा थोड़ी होता है। जैसे 5:25 लेना है मुझे, क्या लेना है 5:25 देखना है इधर। देखिए 5:25 का मतलब ये हो गया कि ये अभी घड़ी के अंदर 5 बजे, ठीक है, ये 5 बजे का समय हो रहा है। अब ये बड़ी वाली सुई घूमकर यहाँ आ गई, मान लो बड़ी वाली सुई घूमकर यहाँ आ गई, यहाँ तो ऐसा थोड़ी कि छोटी वाली सुई यहीं रहेगी, छोटी वाली सुई यहाँ थोड़ी रहेगी, छोटी वाली सुई भी तो थोड़ा सा तो चलेगी ना। जल्दी बताओ फटाफट से, सही है कि नहीं? अरे भाई साहब 5:25 मुझे निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। घड़ी में अगर 5 बजे, घड़ी में अगर अभी क्या बजी है 5, और आप बड़ी वाली सुई को उठाकर यहाँ ले आए, तो ऐसा थोड़ी कि छोटी वाली सुई यहाँ रहेगी, छोटी वाली सुई थोड़ा आगे चली जाएगी। छोटी वाली सुई कहाँ चली जाएगी, थोड़ा आगे। तो इसका मतलब ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। अभी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया। 5:25 हो, 6:30 हो, 7:35 हो, 8:40 हो, 9:45 हो, 10:50 हो, इस कंडीशन में अभी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया। क्रॉस नहीं किया है तो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और एंगल आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो यहां से, थीटा वन की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, माइनस का है ना, माइनस का मिनट बटा दो। क्या निकाल सकते हो, माइनस का मिनट बटा दो। जब रेशो क्या दे रखा हो आपको, जब रेशो दे रखा हो आपको, जब आपको रेशो दे रखा हो 1:5, जब आपको 1:5 में दे रखा हो ना, घंटे और मिनट का रेशो जब आपको 1:5 में दे रखा हो, घंटे और मिनट का रेशो जब आपको 1:5 में दे रखा हो, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो थीटा वन की वैल्यू माइनस का मिनट बटा दो। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो, ये अपने काम की है, ठीक है, ये अपने काम की है। तो देखो आप डायरेक्टली जल्दी से बता दो यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू निकाल दो, तुरंत प्रभाव से बता दो। थीटा टू की वैल्यू नहीं निकाल रहा, सिर्फ थीटा वन की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली बता दो इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा, 25 का आधा 12.5, ठीक है। यहाँ पर बता दो जल्दी से, देखो 1:5 बन रहा है ना, 6×5 1:5, जब भी 1:5 बनेगा तो थीटा वन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 15 डिग्री, 7×5 35, फिर से क्या बन रहा है 1:5 बन रहा है, 1:5 का मतलब 35 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास में, 17.5 डिग्री, कितना हो जाएगा 17.5 डिग्री, 3×5 15, यहाँ भी 1:5 बन रहा है, 1:5 यानी यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60.5 डिग्री, कितनी हो जाएगी 60.5 डिग्री। और यहाँ पर भी भाई साहब 1:5 बन रहा है, 1:5 बन रहा है, 1:5 बन रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच में थीटा वन की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 20 डिग्री। मजा आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट से थम्स अप कर दो। यस सर, कि सर अगर 1:5 में दे रखा होगा एंगल, एंगल 1:5 में दे रखा होगा तो थीटा की वैल्यू सीधी क्या हो जाएगी, माइनस का, माइनस का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया।
इसका मतलब होता है कि मिनट वाली सुई ने अभी घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, एंगल नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने अभी पढ़ा, ये तो हमने किसके लिए पढ़ा, 1:5 में, ये हमने पढ़ा 1:5 वाले के लिए कंसेप्ट। अब भाई साहब अगला कंसेप्ट देख सकते हो आप 1:6 वाले के लिए, 1:6 अगर घंटे और मिनट का रेशो 1:6 में दे दे, ठीक है, तो आपको याद रखना है थीटा वन की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ डायरेक्टली मिनट का आधा होता है, पॉजिटिव होता ये भी यही है, 1:5 में नेगेटिव में होगा, 1:5 में तो नेगेटिव में होगा लेकिन 1:6 के अंदर पॉजिटिव में होगा। ठीक है, थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव मिनट का हाफ। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया 2:12, मैंने आपको दे दिया 3:18, 4:24, 5:30, 6:36 है ना, 7:42, मान लो ये दे दिए, तो भाई साहब आप इस बार मिनट का आधा तो करोगे लेकिन पॉजिटिव में आंसर आएगा। यहाँ पे थीटा वन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12/2 बराबर कितना, 6 डिग्री, जल्दी से बता दो। यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 डिग्री, यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 डिग्री, यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री, यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिग्री, यहाँ पर थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली निकाल सकते हो 21 डिग्री। बस ये दो चीजें याद कर लो, ज्यादा लफड़े में मत पड़ो। ठीक है, 1:6 और 1:5 दो याद रखो। 1:6 में तो क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मिनट का हाफ, और भाई साहब 1:5 में नेगेटिव मिनट का हाफ। सभी लोग थम्सअप कर देंगे भाई साहब, फटाफट से जल्दी से कर लेंगे। सभी लोग जल्दी से कर लेंगे भाई साहब, सभी लोग एक बार थम्सअप कर देंगे, फटाफट से एक बार थम्सअप कर दीजिए, तुरंत प्रभाव से कर दो भाई साहब कि यस सर मजा आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी आपको, बस ये दो याद कर लो। बताने को तो 1:3 की भी बता सकते हैं, 1:4 की भी बता सकते हैं, 1:7 की भी बता सकते हैं, 1:8 की भी बता सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं निकलेगा मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। फिलहाल हमारा मॉक टेस्ट का समय हो गया है, एक और सेशन हम लोग अभी तो बहुत सारे सेशन लेने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारे टाइप अपन को कवर करने हैं। आज का सेशन आपको कितना लगा, बेसिक हमने सिर्फ आज 4 टाइप हमने डिस्कस करे। ठीक है, आज ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी कि मिनट होता क्या है भाई साहब, ठीक है, क्लॉक होता क्या है, क्लॉक की सुइयां क्या होती हैं, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई कितना बनाती है, सेकंड वाली सुई कितना बनाती है, दो सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना सीखा है, सिर्फ ये चीज आज हमने सीखी। पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है भाई साहब, पॉजिटिव का मतलब होता है क्रॉस कर लिया मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मिनट वाली सुई ने अभी घंटे वाली को सुई को क्रॉस नहीं किया है, पहले एंगल बना लिया है। सिर्फ इतनी सी चीज सीखी है, सभी लोग थम्सअप कर दो, सभी लोग थम्सअप कर दो भाई साहब, फटाफट से थम्सअप कर देंगे एक बार। ठीक है, क्लियर है, चलिएगा। अब देखिएगा इधर, अब यहां पर देखिए, इधर देखिए, ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 कोई भी हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ना है तो आ जाओ फटाफट से, अब एक मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, इसके आप ज्वाइन कर लें, t.me/दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल। क्लियर है कि नहीं। अगले वाले सेशन के अंदर हम लोग उल्टा कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब हमें कोण दे रखा होगा हम समय ज्ञात करेंगे, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री के कंसेप्ट पढ़ेंगे, सुई अगर बार बार अलार्म बार बार बज रहा है उस टाइप का कंसेप्ट पढ़ेंगे,
घड़ी का तेज होना, घड़ी का स्लो होना, वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, मिरर इमेज पढ़ेंगे, वाटर इमेज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें अभी आपको पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। जब दो समय दे रखे हों, सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया हो, वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक करके। अब देखिएगा इधर दीपू 10 कोड लगाकर दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्रत्येक अगर आप प्रत्येक है ना प्रत्येक चैप्टर को अगर बारीकी से पढ़ते हुए फिनिश करना चाहते हो ना, तो आपके पास बढ़िया मौका, आप दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अनअकैडमी पर, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहां पर दीपक कुमार तीर्थयानी मेरे नाम को सर्च करिए और उस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। प्रोफाइल को जैसे ही फॉलो करेंगे गाइस लिखा हुआ आ जाएगा फॉलोइंग, और आपको मैसेजेस मिलना प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्लासेस के मैसेजेस मिलना प्राप्त हो जाएंगे। बैचेस पर जाओगे आप, सी ऑल पे क्लिक करोगे, सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और वहां पर दीपू 10 कोड लगा के अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई कर लोगे पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा, और 29 दिसंबर से जो नए बैचेस अपने स्टार्ट हो रहे हैं, सभी टीचर्स के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, तो भाई साहब आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, आप लोग 22 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, तो भर दीजिएगा जिसको भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है। फटाफट से हम लोग जुड़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इन अप्रोप्राइड अगर कोई कंटेंट देखते हैं तो बहुत सारे प्राइजेस आप जीत सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ये काम तो हमें सबसे पहले करना है, लाइक कर देना है सेशन को, शेयर कर देना है, और ईमानदारी से बता दो भाई साहब मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई साहब इस सेशन के अंदर। पहली धमाकेदार क्लास बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने ले ली है, सारे टाइप कवर करेंगे, 21 टाइप्स, 22 टाइप्स, जितने भी टाइप्स होते हैं भाई साहब उन सभी टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे, और बेहतरीन तरीके से। आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि भैया क्लॉक चैप्टर हमें आता नहीं है, क्योंकि हमने दीपक सर से क्लॉक चैप्टर पढ़ा है, कोई सा भी टाइप आ जाए हम लोग डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। इतना विश्वास तो आपको भी होना चाहिए, मुझे है तो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक कर दीजिएगा सेशन को, शेयर कर दीजिएगा, आ जाइए नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।